भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दे देगी। लगातार जब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में रोहित शर्मा फ्लॉप हुए, एक पारी में 5 रन, एक पारी में 0, 8 साल बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में 0 बनाया, टेस्ट में 0 यहाँ पर बनाया, सेंचुरियन में हुआ वो जो एक इतिहास वो कभी नहीं चाहते थे उनके नाम के साथ जुड़े, लेकिन वो जुड़ा। उसी बारे में बात करते हुए, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने साफ तौर पर यह बात कही कि देखिए आप जो सवाल उठा रहे हैं रोहित शर्मा के ऊपर वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी एक मुश्किल पिच पे यहाँ पे बल्लेबाजी में रन नहीं बना पाता है, बड़े बड़े इंडिया के खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते, तब रोहित शर्मा बैट पिचेस पे अच्छा प्रदर्शन करते, जो टफ पिचेस होती हैं उसमें रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लगातार रन बनाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये बात मानी यहाँ पे कि भाई कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म थोड़ी सी अभी डिप कर रही है, लेकिन बात यह है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई जब कोई रन नहीं बनाता तब रोहित शर्मा बनाते हैं, अच्छी पिचेस का पे तो हर कोई रन बना लेता है लेकिन जब टफ पिचेस होती है तो रोहित शर्मा वहां पर रन बनाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब ऑस्ट्रेलिया में टफ पिचेस थी तब रोहित शर्मा ने वहां पर रन बनाए, जब इंग्लैंड में टफ पिचेस थी वहां पर रोहित शर्मा ने रन बनाए, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोगों को क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर हम पिछले 10 पारियां देखें, 10-12 पारियां, तो रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा है, लेकिन आप लोगों की क्या यहां पर राय है कि क्या रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन हैं या नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अभी प्रूव करना चाह रहे हैं। यहां पे देखना दिलचस्प होगा किस तरह से साल 2024 उनका रहता है और 3 जनवरी से जिस मुकाबले की शुरुआत हो रही है जिसमें मौका होगा कि सीरीज आप 1-1 से बराबर कर सकते हैं, वहां पर टीम इंडिया के कप्तान का कैसा प्रदर्शन रहता है। और आकाश चोपड़ा की जो ये कमेंट है, उनका जो ये राय है, आपकी क्या उस पर आप अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में यहां पे बता सकते हैं।